कर भी मेरी पूजा है। सुप्रभात। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हमारे जीवन में मजदूरों का महत्व तथा उनका उत्साह वर्धन करने के लिए मैं आदित्य गोगिया क्यार मंगलम वर्ल्ड स्कूल विकासपुरी का एक छात्र एक छोटी सी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राजू, ओ राजू, इधर आ जरा फटाफट। हाँ मालिक, आ रहा हूँ। जी मालिक। अरे चाय लगा दे फटाफट, अस्पताल के लिए देर हो रही है। 10 फोन आ चुके हैं मुझे। और सुन, तू इतना दुखी क्यों है आज? मालिक, अब मैं आपको क्या बताऊँ। इस लॉकडाउन की वजह से ना मैं अपने परिवार के साथ के पास गांव जा सकता हूँ और ना ही कोई गांव जाने के लिए कोई बस है ना ट्रेन है। क्या बोलूँ आपका, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बस पेन ही पेन है। अब मैं अपने भूखे परिवार और बच्चों का पेट कैसे भरूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनके पास यहाँ से कमाए हुए पैसे कैसे पहुँचाऊँ, क्योंकि कोई पोस्ट ऑफिस भी नहीं जा सकता है ना कोई करियर कर सकता है। मैं बहुत परेशान हूँ मालिक। खैर छोड़ो, आप सब ये जानकर क्या करोगे? आप तो डॉक्टर हो बड़े, आप तो अस्पताल में जाके पैसे कमाते हो लोगों को ठीक करके। छोड़ो मालिक, मैं चाय लेकर आता हूँ आपके लिए। अरे आज तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हमारा राजू पिछले 16 सालों से पूरी वफादारी, मेहनत और लगन से हमारे यहाँ काम करता आ रहा है। चलो आज उसे खुश करने का मौका आ गया है। ये लीजिए मालिक, आपकी मनपसंद बिस्कुट और चाय। सब छोड़, इधर आओ और बैठ। अरे 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 राजू, तेरे को पता है आजकल के तकनीकी युग में हम जरूरी नहीं है सिर्फ पोस्ट ऑफिस जाके या कोरियर करके ही तेरे परिवार को पैसे दे सकते हैं। आजकल हम मोबाइल द्वारा भी पैसे दे सकते हैं। बस अपने परिवार को बोल कि अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर ले और मैं उस ऐप से तेरे पैसे वहाँ पे भिजवा दूंगा। चिंता ना कर, अब तेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा इस लॉकडाउन में भी। मुझे तेरे को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि आज मजदूर दिवस है और मैं जानता हूँ कि अगर तू हमारे परिवार का एक हिस्सा ना होता तो आज मैं वहाँ ना होता जहाँ मैं आज हूँ। तूने पिछले 16 सालों से मेरे और मेरे परिवार की इतनी मदद करी है, जैसे मेरा खाना बनाना, मेरे परिवार की देखभाल करना, सुबह सुबह मेरा नाश्ता बनाना, चाय बनाना, पूरे घर की सफाई करना आदि। तेरे बिना तो मैं जिंदगी को सोच भी नहीं सकता था। और हाँ, तेरे को एक और बात बताता हूँ कि संसार में कोई भी काम न छोटा होता है न बड़ा होता है। समाज में हर काम का समान महत्व होता है। इसलिए ये ना समझ कि मेरा काम बड़ा है और तेरा काम छोटा है। और ला अब अपना गमछा पकड़ा, आज मैं पूरे घर की सफाई करूंगा और तू आराम से बैठ। मालिक, आपने मुझे यह जानकारी देके मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। अब मैं अपने भूखे परिवार का पेट भर सकता हूँ वहाँ पे पैसे भिजवा के। आपने मुझे आज इस बात का एहसास दिलवाया कि समाज में कोई काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। मैं गलत था जो आपके काम को सदैव बड़ा समझता था और अपने काम को छोटा। आज मुझे पता चला कि समाज में हर काम का समान महत्व होता है। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद।